हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस, जो कि लास्ट पोर्शन है और लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट सेंटेंस, जिसके बाद हम लोगों का टेंस कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का टेंशन नहीं लेना, उसमें सिर्फ नोट लगाना है। ऐसा नहीं समझना कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस छूट गया है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस। तो वैसा सेंटेंस जो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर से स्टार्ट हो, तो उस प्रकार के सेंटेंस को डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस कहते हैं। वैसा सेंटेंस जिसमें आपको कब, क्यों, कैसे, कहां देखने को मिले, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? सपोज फॉर एग्जांपल देखते हैं, राम 2 घंटे से क्या खेल रहा होगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपका डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, इसके लिए आपका व्हाट होता है, ठीक? उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सीता सुबह से क्यों रो रही होगी, तो यह आपका क्यों, इसके लिए व्हाई होता है, यह आपका डब्ल्यूएच वर्ड है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस कहा जाता है। वैसा सेंटेंस कहा जाता है, डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस कहा जाता है। वैसा सेंटेंस जो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर से शुरू हो, उस प्रकार के सेंटेंस को डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस कहते हैं। हम लोगों ने एग्जांपल देखा, राम 2 घंटे से क्या खेल रहा होगा, राम 2 घंटे से क्या पढ़ रहा होगा, राम 2 घंटे से कहाँ टहल रहा होगा, सीता सुबह से क्यों रो रही होगी, सीता सुबह से क्यों सो रही होगी, सीता सुबह से क्यों हंस रही होगी। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें आपका कब, क्यों, कैसे, कहाँ देखने को मिले, उस प्रकार के सेंटेंस को डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से क्यों खेल रहा हूँ, मैं सुबह से क्यों हंस रहा हूँ, वे लोग सुबह से क्यों खेल रहे होंगे, तो इस प्रकार के सेंटेंस को डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस कहते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के लिए आपका जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा डब्ल्यूएच वर्ड प्लस सेल प्लस आई प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी मींस हम लोग, इसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा डब्ल्यूएच वर्ड प्लस सेल प्लस वी प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू के लिए आपका जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा डब्ल्यूएच वर्ड प्लस विल प्लस यू प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू के लिए आपका स्ट्रक्चर होगा डब्ल्यूएच वर्ड प्लस विल प्लस यू प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर्सन के लिए आपका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ई सी ई एनी नेम, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ई सी ई एनी नेम होता है, इसके लिए आपका डब्ल्यूएच वर्ड प्लस विल प्लस ई सी ई एनी नेम प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम होगा, ठीक है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, दे मींस वे लोग, उसके लिए आपका जो स्ट्रक्चर होगा वह होगा डब्ल्यूएच वर्ड प्लस विल प्लस दे प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझा, हम लोगों ने एग्जांपल देखा, अब हम लोग कुछ सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनाया जाता है डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, राम दो घंटे से कहाँ टहल रहा होगा, राम 2 घंटे से कहाँ टहल रहा होगा। यहाँ पर आपका डब्ल्यूएच वर्ड कहाँ के लिए क्या होता है, वेयर, क्या होता है, वेयर। और राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए आपका विल यूज होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल यूज होगा। वेयर विल राम, वेयर विल राम हैव बीन, वेयर विल राम हैव बीन, क्या है, टहलना, वर्ब है टहलना, तो वॉक का वॉकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉक का वॉकिंग हो जाएगा, वॉकिंग। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 घंटे से, जो कि अनिश्चित है, टाइम अनिश्चित है, तो इसलिए यहाँ पे फोर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, फोर लगेगा।
वह 2 घंटे से क्यों रो रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल, वह 2 घंटे से क्यों रो रही होगी। वह 2 घंटे से क्यों रो रही होगी। यहाँ पर आपका डब्ल्यू वर्ड शुरू है, इसके लिए आपका वाय हो जाएगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वाह के लिए वी यूज करते हैं, वी हो जाएगा। उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद हैव बीन हो जाएगा। रोना का वीप होता है और वीप का वीप और वीपिंग होता है, तो यहाँ पे वीपिंग हो जाएगा। वाय वी सी हैव बीन वीपिंग। कितने समय से, तो 2 घंटे से, तो इसके लिए 4 हो जाएगा। 4 2 hours, 4 2 hours, कितने समय से, 2 घंटे से, 4 2 hours। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं दो घंटे से क्या पढ़ रहा होगा। मैं 2 घंटे से क्या पढ़ रहा होगा। यहाँ पर आपका डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, इसके लिए आपका व्हाट होता है, क्या के लिए क्या होता है, व्हाट होता है। और यहाँ पर मैं के पास पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब शैल यूज करते हैं। तो व्हाट के बाद आपका शैल यूज होगा, व्हाट शैल। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आई है, मैं आई होता है, उसके बाद हैव बीन हो जाएगा। व्हाई शैल आई हैव बीन, व्हाई शैल आई हैव बीन। भार का आपका पढ़ना, इसके लिए रीड होता है और रीड में जब आई एन जी एड करेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस बनेगा, व्हाई शैल आई हैव बीन रीडिंग, कब से, 2 घंटे से। व्हाई शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। इस प्रकार से हम लोगों का सेंटेंस क्या बना कि मैं 2 घंटे से क्या पढ़ रहा हूँ। व्हाट शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, व्हाट शैल आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तुम लोग सुबह से क्या पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तुम लोग सुबह से क्या पढ़ रहे होंगे। तुम लोग सुबह से क्या पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे तुम लोग, यहाँ पे आपका डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, तो इसके लिए आपका व्हाट हो जाएगा और यहाँ पे विल यूज होगा। यू के लिए हम लोग विल यूज करते हैं, तो व्हाट विल यू। उसके बाद आपका हैव बीन हो जाएगा, व्हाट विल यू हैव बीन। भार का आपका पढ़ना और रीड का बिफोर रीडिंग होता है, तो इसलिए आपका रीड के रीड में जब आई एन जी जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, क्या के लिए व्हाट होता है। यू के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब विल यूज करते हैं, तो इसलिए विल हो जाएगा। उसके बाद यू हो जाएगा। और चूंकि हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसलिए आपका उसके बाद हैव बीन लगेगा। और रीड का बिफोर हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं और रीड का फोर्थ फॉर्म रीडिंग होता है। ठीक है, तो तुम लोग सुबह से क्या पढ़ रहे होंगे, व्हाट विल यू हैव बीन रीडिंग। समय सुबह से दिया हुआ है, ठीक है, तो यह निश्चित है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि यहाँ पे 2 घंटे से था, 2 घंटे से था, समय अनसर्टेन था, निश्चित नहीं था, इसलिए हम लोगों ने 4 लगाया। लेकिन जब बात सुबह की, दोपहर की, रात की, इवनिंग की हो, तो हम सिंस लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपका 4 ना लगे, क्या लगेगा, सिंस लगेगा। क्या लगेगा, सिंस लगेगा। उसके बाद सुबह से है, तो सुबह का मॉर्निंग हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग का सेंटेंस बनेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इस प्रकार से हम लोगों का सेंटेंस बना, तुम लोग सुबह से क्या पढ़ रहे होंगे। व्हाट विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट विल यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस बनाना भी सीख लिया और ओवरऑल हम लोग का टेंस भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। और मैं लास्ट कुछ भर आप लोगों को दे देता हूँ, इन भर का यूज करके बनाने का प्रयास कीजिएगा और किसी प्रकार से दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हेल्प मींस मदद करना,
सी मीन्स देखना, डांस मीन्स नाचना, वीप मीन्स रोना, लव मीन्स हंसना, स्लीप मीन्स सोना, एस एल डबल ई पी स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, गो गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना। तो इस प्रकार से हम लोगों का टेंस कंप्लीट होता है। थैंक यू।